पथरी एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज अगर हम सही समय पर ना करवाएं तो दर्द के साथ साथ वो बहुत ही गंभीर समस्या हो जाती है। वैसे में आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसे ज़बरदस्त घरेलू नुस्खा लेकर आया हूँ, एक ऐसे होम रेमेडी लेकर आया हूँ जिसका आप इस्तेमाल करके बिल्कुल आसान तरीके से अपने पथरी की समस्या को ख़त्म कर सकते हैं। वैसे तो आपको इस चैनल पर बहुत सारे पथरी का इलाज मिल जाएगा, लेकिन ये जो इलाज होने वाला है, ये जो नुस्खा होने वाला है, बेहद ही यूनिक होगा, बेहद ही असरदार होगा। इसका रिजल्ट बहुत सारे लोगों को मिल चुका है। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि हमें कैसे तैयार करना है। नुस्खा बनाना बिल्कुल आसान होगा, बिल्कुल सरल होगा। इसके लिए आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है वो है दोस्तों पानी। पानी आप बिल्कुल नॉर्मल ले लें, आपको आधे गिलास की मात्रा में ले लेना है पानी। और इसके बाद से इसमें हम सबसे पहला इन्ग्रेडियंट इस्तेमाल कर लेते हैं, वो है दोस्तों ये दाल। आप ये जो देख रहे हैं ये है कुलथी का दाल। आयुर्वेद में इसका जिक्र किया गया है पथरी को खत्म करने के लिए। अष्टांग हृदम यानी कि बागभट्ट ऋषि के द्वारा जो भी लिखा गया है उसमें इसका जिक्र बहुत ही आसान तरीके से किया गया है, आप वहां से इसका ज्ञान ले सकते हैं। इसके लिए आपको एक मुट्ठी लेना है इस कुलथी के दाल को और इस पानी में आपको भिगो देना है। आप रोज़ाना क्या करें कि इसी प्रकार से आप दाल को पानी में डालकर भिगो लें। भिगोने के लिए आपको क्या करना होगा कि शाम को ही इसे पानी में भिगोकर और किसी कपड़े से ढक करके और इसे रख देना है ताकि इसमें किसी भी प्रकार का धूल मिट्टी ना जमे। इसके बाद से आप क्या करें कि आप जब सुबह उठे तो इस कुलथी के दाल को छान करके अलग कर लें और पानी को अलग कर लें। आप पानी में इस नींबू के जूस को ऐड कर लें, आधी कटी नींबू के जूस को आपको पानी में ऐड करना है और उसके बाद से इस दाल को चबा चबा कर खा जाना है और पानी को पी लेना है। दोस्तों इतना आपको रोज़ाना सुबह में करना है और इसके साथ साथ आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी है, जैसे कि बाज़ार के फास्ट फूड तले भुने चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल ही कम कर देना है। आप किसी भी प्रकार का कोई भी दवा करा रहे हैं उसके साथ साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों यही थी आज की जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो गाइज मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।